वर्टिब्रेट्स के बारे में हम काफी डिटेल में पढ़ चुके हैं। लेट्स लर्न अबाउट इनवर्टिब्रेट्स। इनवर्टिब्रेट्स किसे कहते हैं? गैर फिकारिया जानवर यानी इनवर्टिब्रेट्स। ऐसे जानवर जिनमें रीढ़ की हड्डी नहीं होती गैर फिकारिया जानवर कहलाते हैं। रोई जमीन पर मुख्तलिफ इकसाम के गैर फिकारिया जानवर पाए जाते हैं। कीड़े मकोड़े, स्नेल्स, स्टारफिश और वर्म्स वगैरह गैर फिकारिया जानवरों की मिसालें हैं। कीड़े मकोड़े इंसेक्ट्स। कीड़े मकोड़े हशरात जोरदार टांगों यानी ज्वाइंटेड लेग्स वाले मशहूर इनवर्टिब्रेट हैं। इनके जिस्म कतादार यानी सेगमेंटेड होते हैं। चींटी, तितली, शहद की मक्खी, कॉकरोच यानी लाल बिक वगैरह कीड़ों मकोड़ों की मिसालें हैं। शक्ल 1:11। हर कीड़े मकोड़े का जिस्म 3 हिस्सों यानी सर, हेड, थोरेक्स और एब्डोमेन पर मुश्तमिल होता है। कीड़ों मकोड़ों में 6 टांगे होती हैं यानी 3 जोड़े होते हैं। इनके जिस्म की बैरूनी सतह पर सख्त खोल या ढांचा होता है जो जिस्म की हिफाजत करता है। बैरूनी ढांचा कीड़े मकोड़ों के अजसाम को सहारा भी देता है। स्टूडेंट्स चलिए इस टॉपिक से रिलेटेड एक एनिमेटेड वीडियो देखते हैं। मैं इस फिल्म में इनवर्टिब्रेट के बारे में बात करूंगा। बगैर बोन वाले जानवर इनवर्टिब्रेट हमारे इर्द गिर्द होते हैं, बिल्कुल उन कीड़े मकोड़ों की तरह और कभी कभार हमारे अंदर भी। सब इनवर्टिब्रेट में क्या चीज कॉमन होती है? वो ये कि उनमें रीढ़ की हड्डी या हड्डी की गिरा नहीं होती। ये वीडियो इनवर्टिब्रेट की 8 किस्मों को कवर करती है और मसामदार जानवरों यानी पोरेफेरा से शुरू होती है। उसके बाद हमारे पास हैं आबी मूंगे जिन्हें हम नाइडेरिया कहते हैं, फिर चिपटे कीड़े जिन्हें हम प्लेटीहेल्मिंथीज कहते हैं, बगैर जोड़ वाले कीड़े जिन्हें हम निमेथेलमिंथीज कहते हैं, हल्के दार जिस्म वाले जानवर जिन्हें हम एनेलिडा कहते हैं, ज्यादा टांगों वाले जानवर जिन्हें हम आर्थ्रोपोडा कहते हैं, पिलपिले जिस्म वाले जानवर जिन्हें हम मोलस्का कहते हैं और खारपुश्त जिन्हें हम एकाइनोडर्मेटा कहते हैं। मैं हर किस्म की कुछ खसूसियात बयान करूंगा। तो सबसे पहले है मसामदार जानवर यानी पोरेफेरा। ये ऐसे इनवर्टिब्रेट हैं जिनको हम आम तौर पर स्पंज कहते हैं। ये ज्यादातर नमकीन समुद्री पानी की तह में रहते हैं। ये मसाम और फिल्टर फीडर से ढके होते हैं। आबी मूंगे नाइडेरिया। ये ऐसे इनवर्टिब्रेट होते हैं जिनके डंक वाले खुलिये मशहूर होते हैं। आम मिसालों में जेलीफिश और सी एनिमोन्स। ये ज्यादातर समुद्रों में पाए जाते हैं और इनका जहर तकलीफ देह होता है। चिपटे कीड़े प्लेटीहेल्मिंथीज की किस्म में फ्लैट वर्म शामिल है। इनमें सबसे मशहूर टेप वर्म होते हैं और आप तस्वीर से देख सकते हैं ये फ्लैट और बदसूरत हैं। ये ज्यादातर तुफैली होते हैं जो जानदार के अंदर रहते हैं। ये वाले वर्म पिन वर्म कहलाते हैं, लेकिन ये वर्म जैसे नजर नहीं आते। ये अपनी किस्म बगैर जोड़ वाले कीड़े यानी निमेथेलमिंथीज से ताल्लुक रखते हैं। ये वर्म के ऐसे ग्रुप हैं जिनके जिस्म धागे की तरह गोल होते हैं। इनके मुंह और मकद होते हैं और ज्यादातर ये तुफैली होते हैं। अगली किस्म हल्केदार जिस्म वाले जानदारों यानी एनेलाइडा में आपके सेगमेंटेड वर्म शामिल हैं। इनमें शायद सबसे मशहूर केंचुए हैं और तस्वीर में से देखकर आप बता सकते हैं कि इसके छोटे छोटे हिस्से होते हैं। इनमें खाने का पोटा होता है और उनमें काफी पेचीदा निजाम इन्हजाम होता है। ज्यादा टांगों वाले जानवर आर्थ्रोपोडा। इसमें ऐसे जानदार शामिल होते हैं जो एक्सोस्केलेटन रखते हैं और एक सर, छाती और पेट रखते हैं। इनको मजीद आर्शनाइड्स में तकसीम किया जाता है जिनमें मकड़ियां, कशरी जानवर जिनमें झींगे शामिल हैं और एक बहुत बड़ा ग्रुप जो इंसेक्ट्स कहलाता है शामिल है जो पूरी दुनिया में पाया जाता है। अगली किस्म मोलस्का कहलाती है। इसमें नरम जिसामत वाले जानदार शामिल हैं और उनमें बहुत से जानदारों के शेल होते हैं जैसा कि स्नेल, लेकिन कुछ के अंदरूनी शेल होते हैं। इसमें ऑक्टोपस, स्क्विड, कटरफिश और सल्गस भी शामिल हैं। ये स्टारफिश जानदारों के एक ग्रुप में पाई जाती हैं जिन्हें एकाइनोडर्मेटा कहते हैं। इन जानवरों के जिस्म नोकदार होते हैं। ये ज्यादातर समुद्रों की तहों में पाए जाते हैं। इनमें मुंह और मकद होते हैं
और ये हरकत तो कर सकते हैं मगर बहुत सुस्ती के साथ। वर्म्स। वर्म्स नर्म और मुलायम जिस्म वाले गैर फिकालिया जानवर हैं। इनकी टांगे नहीं होती। आमतौर पर इनके जिस्म की बनावट सांप की तरह लंबूतरी होती है। कैंचवे यानी अर्थ वर्म्स और टेप वर्म्स ऐसे वर्म्स हैं जिनके जिस्म बहुत सारे कतों में मुनकसम यानी कतादार सेगमेंटेड होते हैं। शक्ल 1:12। फ्लैट वर्म्स और राउंड वर्म्स के जिस्म कतादार नहीं होते। स्टूडेंट्स चलिए इस टॉपिक से रिलेटेड एक एनिमेटेड वीडियो देखते हैं। इनवर्टिब्रेट। कीड़े मकोड़े मखलूकात के एक बड़े ग्रुप से ताल्लुक रखते हैं जो इनवर्टिब्रेट कहलाते हैं। सब इनवर्टिब्रेट में एक आम खसूसियत पाई जाती है, वो ये कि इनमें बैकबोन नहीं होती। कुछ इनवर्टिब्रेट का हिफाजत के लिए बैरूनी जिल्द या शेल सख्त होता है जबकि कुछ का नरम और मसामदार होता है। इनवर्टिब्रेट में कितनी टांगे होती हैं? इनवर्टिब्रेट में टांगों की तादाद मुख्तलिफ जानवरों में मुख्तलिफ होती है। स्पाइडर की 8 टांगे होती हैं, सेंटीपेड की तकरीबन 30 टांगे होती हैं, अर्थवर्म की एक भी टांग नहीं होती। स्नेल पतली सी चौड़ी झिल्ली पर सरकते हैं। इसकी कमर पर एक सख्त पेचदार शेल होता है जिसके मुख्तलिफ शक्लें और जसामत होते हैं। दुश्मन से छुपने के लिए स्नेल अपने आप को इस शेल के अंदर छुपा लेता है। स्नेल एक स्नेल अपनी कमर पर अपना घर उठाकर घूमता है। एक स्नेल की आंखें इन लंबे लंबे पपोटों के आखिर में होती हैं। क्या आप जानते हैं बास वर्म्स खुराक हासिल करने के लिए बड़े जानवरों के अजसाम में रहते हैं। आपकी मालूमात के लिए स्टारफिश और सी एनीमोन समुद्री गैर फिकारिया जानवरों की मिसालें हैं। एक एक्टिविटी करते हैं। आप सब बच्चों के बुक में एक्टिविटी दी गई है जिसमें 8 गैर फिकारिया जानवरों के नाम छुपे हैं जिनकी रीढ़ की हड्डी यानी बैकबोन नहीं होती। लेट्स फाइंड आउट अदर नेम्स। एक को कलर कर दिया गया है, बाकी आप खुद ढूंढिए। स्नेल पहले से कलर हुआ है। स्टारफिश, केंचवा, मक्खी, शहद की मक्खी, तितली, चींटी, जेलीफिश। ये जानवर गैर फिकारिया जानवर कहलाते हैं। आइए अब हम कुछ सवालात के जवाब सोचते हैं। लिजर्ड बिलोंग्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स ऑफ द एनिमल्स? एम्फिबियंस, रेप्टाइल्स, बर्ड्स, मैमल्स। यस, दिस इज रेप्टाइल्स। An animal with jointed legs, earthworm, cockroach, snake, starfish. Very right, that is cockroach. Fish breathe through lungs, skin, gills, mouth. Superb, this is gills. What is true about vertebrates? All have lungs, all have gills, all have backbone, all have jointed legs. Exactly, you are right. All have backbone. बच्चों दुनिया में ऑलमोस्ट कितनी टाइप्स की फिशेज मौजूद हैं? जी हाँ, 25,000 इकसाम की। स्टूडेंट्स यकीनन आपको क्लासिफिकेशन एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एनिमल्स के टॉपिक अच्छे से समझ आ गए होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम इससे अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज बच्चों।